रिश्तों की डोर। घोंसले कहीं ले गया है, कहीं वो इनका कहाँ ले गया घोंसले से? वो उसे इंटरोगेशन रूम में ले गए। What? क्या करें बॉस, शराफत का जमाना ही नहीं रहा। किसी खूनी से पूछताछ करने से पहले ये सोचना पड़ता है कहीं ये पॉलिटिशियन या कमिश्नर का सगे वाला तो नहीं। या किसी मीडिया वाले ने तुम्हारे आसपास कोई कैमरा छुपा के रखा। लेकिन यहाँ ना कोई मीडिया वाला आएगा, ना ही कोई पॉलिटिशियन। ना ही तेरी आवाज यहाँ से बाहर पहुंच सकती है। वहां देख, और पढ़, तकलीफ हो रही है। जब भी हम किसी आरोपी को उल्टा लटकाते हैं ना, तब उसको पढ़ने के लिए बड़ा आसान हो जाता है। पत्थर बोलते हैं। ठीक से बता दे कि तूने तारा धनराज का मर्डर क्यों किया है, वरना आप तेरी। Stop it! What the hell is happening? कुछ नहीं मैडम, वो जरा मैं पूछताछ कर रहा था, मोटिव का पता लगा रहा था। बकवास मत करो, तुम इसके साथ थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट कर रहे थे और कह रहे हो कि पूछताछ कर रहे थे। नहीं मैडम, वो क्या है ना कि कभी कभी मार का डर मार से ज्यादा असर कर जाता है ना। जस्ट शट अप। मैं तो आपकी मदद कर रहा था और आप। मैंने आपसे कहा था ना इंस्पेक्टर, ये केस मैं हैंडल कर रही हूँ। किससे और कैसे पूछताछ करनी है ये मैं डिसाइड करूंगी। How dare you do this? मैडम आप खामखा में नाराज हो रही हैं। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है, पूछ लो उससे। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो आपने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। Ouch. तुम ठीक हो ना सुहास? हाँ नेहा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं ये नेहा मैडम सुहास की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पता तो लगाना ही पड़ेगा। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर? तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम्हें ये घर हमारी कंपनी ने दिया, जहाँ तुम्हें नौकरी तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि तारा की सिफारिश से मिली थी। कितनी अजीब बात, जिस तारा ने तुम्हारे सपनों को आसमान की बुलंदी पर पहुंचा, तुमने उसी तारा की इच्छाओं को खाक में मिला। कबीर, मैं ये नहीं जानता था कि तारा मेरे सपनों के साथ अपनी इच्छाओं का सौदा करे, वरना मैं ये सौदा कभी कबूल नहीं करता। तो फिर तोड़ दो ये सौदा। साइन। क्या है इसमें? सिर्फ यही लिखा है कि तुम अपने आप को अपनी मर्जी से धनराज कंस्ट्रक्शन से बेदखल कर रहे हो। यानी तुम अपनी बहन की मौत के आड़ में अपने पुराने जख्मों को भरना चाहते हो, यही समझ लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से तुम्हारी बहन को शांति मिलेगी तो यही सही। और अगर ऐसा करने से तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाओगे तो ये तुम्हारी एक भूल होगी कभी, क्योंकि मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से फिर से वही मुकाम हासिल कर सकता हूं जो इस कंपनी ने मुझे दी। इनफैक्ट आई एम सॉरी दी थी। ये रही तुम्हारे घर और गाड़ी की चाबियां, कार बाहर खड़ी। थैंक्स। इनफैक्ट मैं तुम्हें थैंक्स क्यों कह रहा हूं, तुम तो उसके भी लायक नहीं, क्योंकि तुम तो वो एक नाकाबिल इंसान हो जो अपने बाप के टुकड़ों पर पलने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता, तारा मर चुकी है। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी बातें अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। अच्छा सिमरन, मुझे एक बात बता, क्या तारा की सुहास अभ्यंकर नाम के किसी इंसान से दुश्मनी थी? दुश्मनी? वो तो सुहास अभ्यंकर नाम के किसी आदमी को जानती तक नहीं थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स था और वो था राहुल रायचंद। उसी के नाम से तारा का दिन शुरू होता था और उसकी रात खत्म होती थी। वो राहुल रायचंद से प्यार करती थी? हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। और राहुल? वो भी तारा को चाहता था, लेकिन पिछले कई दिनों से उन दोनों की रिलेशनशिप कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। आई थिंक राहुल की जिंदगी में और कोई लड़की आ गई थी। कहते हैं कि हर किसी के किस्मत में सच्चा प्यार नहीं होता। शायद तारा भी उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से एक थी। सही कह रही हो तुम, हर किसी को प्यार नसीब नहीं होता। ओफो ने, तुम समझती क्यों नहीं? मैं कितनी बार कह चुका हूं कि तारा धनराज का खून मैंने किया है। अच्छा सुहास, अगर तारा तुमसे प्यार करती थी तो जाहिर सी बात है तुम उसे कई दिनों से जानते होंगे और उसके सारे दोस्तों से भी वाकिफ होंगे। नहीं, मैं सिर्फ उसे जानता था, उसके दोस्तों को नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम राहुल को तो जरूर जानते होंगे। राहुल? नहीं, मैं किसी राहुल को नहीं जानता। तुम राहुल को नहीं जानते? राहुल तो तारा का सबसे करीबी दोस्त था। मैंने कहा ना, मैं किसी राहुल को नहीं जानता। इट्स ओके सुहास, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। सुहास झूठ बोल रहे हैं, वो राहुल को जरूर जानता है। तारा और राहुल एंगेज थे ये सभी जानते हैं, लेकिन अगर वो राहुल को जानता है तो फिर वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? नेहा को राहुल के बारे में पता तो चल गया है, लेकिन कहीं वो राहुल के जरिए तेजू तक ना पहुंचे। Tara Dhanraj's murderer is actually innocent. And he's just being victimized? अगर इस केस के नए सिरे से छानबीन शुरू हो गई तो मेरी तो सारी के कराए पर पानी फिर जाएगा। अब क्या करूं? मनु, मनु, हाँ ताई। मनु, तू जल्दी से हॉस्पिटल जा। तेजू की देखभाल के लिए कोई भी नहीं। वो रीटा का भी फोन आया था, उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है। हाँ जल्दी जा, ध्यान रखना। और प्रॉब्लम हो तो फोन करना। ओके बाय। बाय मनु। बाय। विलास काका, काका क्या हुआ काका? सुहासदा को छोड़ दिया पुलिस वालों ने। काका बताइए ना क्या हुआ। हाँ आज तो रहने दो, आते ही सवालों की बौछार करती। लेकिन काका, मनु जा पहले काका के लिए पानी लेकर। ठीक है। शिवांगी एडवोकेट बिजलानी का कहना है कि सुहास को जमानत हो जाएगी, वो बरी भी हो सकता है, लेकिन उसे अपना बयान बदलना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि सुहास ने पुलिस के सामने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो अब क्या करेंगे काका? कोई और रास्ता नहीं है दादा को बाहर लाने का? एक रास्ता है शिवांगी। अगर हम सुहास दा की याददाश्त का बहाना बनाकर उनसे बयान बदलवा दें, जैसा कि कई फिल्मों में होता है, तो कोई हल निकल सकता है। कुणाल प्लीज चुप रहो। अगर सुहास दा को बयान बदलना ही होता तो वो इल्जाम अपने सर ही क्यों लेते? बस यही एक प्रॉब्लम है, सुहास मानता ही नहीं। लो, सुबह सुबह यहाँ पंचायत लगी हुई है। हाँ क्या मैं जान सकती हूँ मेरे घर में सुबह सुबह ये कॉन्फ्रेंस किस खुशी में? भाभी आप शायद भूल रही है कि आपके एक पति भी है जो लॉकअप में है और जिनकी जमानत करवानी है। लेकिन हम अपने भाई को नहीं भूले। आपको उनके जमानत की कोई फिक्र नहीं होगी, मगर हमें है। ऑफ कोर्स, मैं तो भूल ही गई थी। सुहास की लाडली बहनों को उसकी फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी? बाहर वालों को? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड बाय द वे, मुझे पूरा यकीन है कि ये खून सुहास ने ही किया है और उसे इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलने वाली है। ऐसी बातें मत करो बहू, हम पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं। मुझे यकीन है कि सुहास को जमानत मिल जाएगी। मुझे गणपति बप्पा पर पूरा भरोसा है। भाभी हम लोग कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं, और आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। कोशिश, इसका मतलब भी समझते हो तुम कुणाल? बाय द वे, अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। सुहास ने इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर की एकलौती बेटी का खून किया है, समझे तुम? मिस्टर धनराज की बेटी का खून किया उसने। भाभी लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, सुहास दा ने किसी का खून नहीं किया है और सुहास दा किसी का खून कर भी नहीं सकते। Really? मनु, don't be stupid. तुम्हारी ये कहने से सुहास बेगुनाह नहीं साबित होने वाला है। और वैसे भी उसे बेगुनाह तुम लोग समझ लो, धनराज नहीं समझता है उसे बेगुनाह। धनराज अपनी बेटी के कातिल की जमानत इतनी आसानी से नहीं होने देने वाला है, समझे तुम? आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। विल यू प्लीज शट अप? शुभांगी जबान को लगाम दो, समझी तुम? ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तुम लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर सुहास को कोई जमानत दिलवा सकता है तो वो सिर्फ एक आदमी है, खुद मिस्टर धनराज। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी इकलौती बेटी के कातिल को इतनी आसानी से जमानत दिलवाएंगे। एक और बात, मैं इस बात पर अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती और तुम्हें भी यही सलाह दूंगी, ये टाइम वेस्ट करना बंद करो। Just move on, okay? Losers. देखा आप लोगों, घर में इतनी टेंशन और माराने को बिल्कुल फिक्र नहीं। How can she talk like this? अपने पति के बारे में कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? जाते जाते बहू सही बात कह गई है। मुझे मुझे भी लगता है कि धनराज सुहास की जमानत नहीं होने देगा। काका आप भी किसकी बातों में आ गए? नहीं ताई, ताई आई थिंक विलास काका ठीक कह रहे हैं। अगर हम मिस्टर धनराज के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करें और उन्हें ये यकीन दिलाए कि सुहास दादा बेकसूर हैं, तो शायद। रिक्वेस्ट करें? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रौंद कर उस धनराज के सामने गिड़गिड़ाएं? सुहास दा को अच्छा लगेगा? कुणाल प्लीज, तुम्हारे मुंह से सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा शब्द अच्छा नहीं लगा। कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। चलिए काका, हम अभी जाकर मिस्टर धनराज से विनती करते हैं कि वो सुहास दा की जमानत करवा दे। चलिए। तुम कहीं नहीं जाओगी शुभांगी, और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जीजू, हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो इनकार कर देंगे, बस यही ना। मैंने कहा ना कि हम लोग धनराज के घर नहीं जाएंगे। Is that clear? तो मैं बिजलानी से बात करता हूँ। हेलो, बिजलानी साहब हैं? सर, आपसे कोई लड़की मिलने आई है। कौन लड़की है? मालूम नहीं। भेज दो। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते। कहो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? सर, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप इतने बड़े आदमी हैं, आपका इतना बड़ा नाम है, आप कुछ भी कर सकते हैं सर। अगर हम कुछ कर सकते तो हमारी बेटी, खैर शायद हम तुम्हारे किसी काम आ जाए। बोलो क्या चाहती हो? मेरे भाई की रिहाई, मेरे दादा मेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी जमानत सिर्फ आप ही दिलवा सकते हैं। उनको कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है। क्या नाम है तुम्हारा? मनु। पूरा नाम? मानसी अभ्यंकर। तो तुम बहन हो सुहास अभ्यंकर की, जिसने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया। उस सुहास अभ्यंकर की, जिसने हमारी बेटी का बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। मेरे भाई ने किसी का खून नहीं किया सर। सुहास दा कभी किसी का खून नहीं कर सकते, वो खूनी नहीं है सर। झूठ मत बोलो लड़की। तुम्हारे भाई ने अपनी जबान से अपना जुर्म कबूल किया है। ये झूठ है सर, उन्हें जरूर फंसाया गया है। मेरा दिल कहता है सर, मेरा दिल कहता है कि मेरे भाई निर्दोष है। लेकिन हमारा दिल कहता है कि हम अपनी बेटी के कातिल को फांसी पर लटका दें अपने हाथों से। लेकिन हम दिल की नहीं, कानून की बात मानेंगे। हमारा भाई मुजरिम है, हमारी बेटी का कातिल है वो कातिल, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं, चली जाओ यहां से। प्लीज सर, प्लीज सर, कानून को उसका फैसला करने दीजिए सर। लेकिन बस एक बार सुहास दा की जमानत हो जाए, और सुहास दा की जमानत सिर्फ आपके हाथ में है सर। आपके एक इशारे पर उनकी जमानत हो सकती है सर, प्लीज। तुम हमारे दरवाजे पर कुछ मांगने आई हो लड़की, हमारी चौखट पे खड़ी हो, इसलिए हम तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाह रहे हैं। बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, प्लीज। जस्ट गेट आउट। मुझे तो लगा था कि एक बाप का दिल एक बहन के दुख को समझ पाएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपके सीने में तो दिल ही नहीं है। चली जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकलवा देंगे। Just get lost and get out. Get out! जाओ, तुम सुहास अभयंकर की बहन हो ना? तुम अपने भाई की जमानत करवाना चाहती हो? हाँ, लेकिन आप। मैं कबीर धनराज हूं। मुझे अपनी बहन की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे भाई की जमानत करवाऊंगा। आई प्रॉमिस। सुहास अभयंकर, तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मैं दूंगा।